Assalamualaikum, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School Kasamabad, Hyderabad. So जी guys, हम मैथ समझ रहे हैं कंटिन्यू है. तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यूसली समझनी है तो पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा. ठीक है गाइस, सो आइए देखते हैं हम आज की क्लास में क्या समझेंगे. तो हम समझेंगे जो वो यूनिटी की प्रॉपर्टी समझ रहे हैं कंटिन्यूसली कंटिन्यू है. तो आज प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ समझेंगे, थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी है थर्ड पावर ऑफ ओमेगा. तो मतलब ओमेगा का पावर थ्री क्या मिलेगा, सॉल्व करते हैं देखते हैं प्रूफ करेंगे. तो थर्ड पावर ऑफ ओमेगा, ओमेगा पावर थ्री सॉल्व करेंगे क्या आंसर मिल रहा है. तो ओमेगा पावर थ्री को हम ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं. सही है कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई है बेस सेम है पावर प्लस होगा तो लिख सकते हैं. क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी मौजूद है, इसीलिए दो नंबर्स में एक्स तोड़ा है. ठीक है, तो देखिए ओमेगा जो लिखा है उस ओमेगा की जगह पे ओमेगा की वैल्यू दैट इज माइनस वन प्लस आयोटा रेडिकल थ्री डिवाइडेड बाय टू एंड सेकंड ओमेगा स्क्वायर हुज वैल्यू इज माइनस वन माइनस आयोटा रेडिकल थ्री डिवाइडेड बाय टू. ये दोनों वैल्यू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की लिखी है. सो अब इन फ्रैक्शन में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर से. सो अब देखिए दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें फॉर एग्जांपल, तो दोनों न्यूमरेटर सेम है पर ये डिफरेंस दोनों में ये है, ये प्लस साइन के साथ है यहां पर ये माइनस साइन के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब देखिए तो यहां इसके हिसाब से हमारे पास एक फार्मूला है, अगर एक ब्रैकेट में नंबर प्लस हो रहे हैं सेकंड ब्रैकेट में सेम वही नंबर माइनस हो रहे हैं तो ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करेंगे. ठीक है, तो इस फार्मूला के हिसाब से अब देखिए a इज फर्स्ट टर्म अब दिस बोथ ब्रैकेट दैट इज माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस साइन फार्मूला की दी है. b b इज सेकंड ब्रैकेट ऑफ द नंबर ऑफ ब्रैकेट्स दैट इज आयोटा रेडिकल 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 जा 4. ठीक है, सो नेगेटिव नंबर होल पावर 2 2 से इवन तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 पे चाहे जितना भी पावर हो आंसर 1 ही रहेगा माइनस ए स्क्वायर आयोटा पे भी है 3 स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर की वजह से डिवाइडेड बाय 4 equals to 1 minus iota square whose value is minus 1. Iota square की जगह पे iota square की value replace की है जो minus 1 है. ठीक है, chapter 2 में पढ़ के आ रहे हैं तो so, use करेंगे multiply by 3 divided by 4. So 1 minus minus के साथ multiply करेंगे ताकि bracket remove हो जाए plus हो जाएगा. अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 1 3 जा 3 क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय 4. सो 1 प्लस 3 मींस 4 डिवाइडेड बाय 4. सो 4 4 में डिवाइड हो गया बाकी क्या रह गया 1. तो ये किसको सॉल्व कर रहे थे, थर्ड पावर ऑफ ओमेगा को. सो ओमेगा पावर 3 की जो वैल्यू मिली है दैट इज इक्वल टू 1. सो ये ओमेगा थर्ड पावर ऑफ ओमेगा. ठीक है, तो आपके सामने सिंप्लीफिकेशन मौजूद है. तो देखिए थर्ड पावर ऑफ ओमेगा, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 प्रॉपर्टी है. तो ये प्रॉपर्टी जो ओमेगा पावर 3 की वैल्यू 1 मिली है मींस एक टर्म ओमेगा पावर 3 इक्वल टू 1 है पावर में, तो ये हमें आगे सॉल्यूशन में हेल्प करेगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम में ये वैल्यू हेल्प करेगी. जो भी ये प्रॉपर्टीज हमने सीखी है ये प्रॉपर्टीज आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे उन प्रॉब्लम्स में प्रॉपर्टीज हेल्प करेंगी. कहीं पर वैल्यू ओमेगा और 3 की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं जिस प्रॉपर्टी में जिस कंडीशन होगा उसे आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है गाइस, सो उम्मीद है समझ में जरूर आ गया होगा. सिंपल है, जस्ट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है, फार्मूला यूज हुआ है. ठीक है गाइस,
उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ गया होगा कंप्लीटली। अगर समझ में नहीं आया है फिर भी कोई भी स्टेप कहीं पर भी, तो ये वीडियो है तो उस वीडियो को उसी स्टेप को आप अगेन अगेन रिवर्स बैक करें एंड समझने की कोशिश करें। अगर कंसंट्रेशन से समझेंगे हर चीज समझ में आ जाएगी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, समझ सकते हैं अगर समझेंगे तो। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।